साथियों, अब बड़ा ही महत्वपूर्ण पल है क्योंकि मार्गदर्शन के क्रम निरंतर अब बढ़ते जाएंगे आपके लिए, तो एक एक मिनट बड़ा कीमती है। तो चेहरे की मुस्कान, ऊर्जा, उत्साह बना रहे, और साथ ही साथ जो चीज है वो यह है कि मन में संकल्प यदि है तो उसको और मजबूत करिए, क्योंकि अब आपके संकल्प के साथ बहुत बड़ी ताकत जुड़ गई है। मोटिवेशन, उत्साह एकमात्र ऐसी चीज है कि साथियों, कोई भी स्किल कितना भी हो, लेकिन अगर उत्साह उसमें नहीं है तो उसकी स्किल काम उतनी नहीं आ पाती जितना कम स्किल वाले इंसान में अगर उत्साह हो तो वो सही समय पर कुछ कर गुजरता है। साथियों, एक और सैनिक जहां सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो वहीं आप सरीखे सृजन सैनिक आने वाले समय में देश की सीमाओं के भीतर, राज्यों में, जिलों में, घर घर में लोगों को वो सुरक्षित उनके अधिकार प्रदान करवाएंगे जो आपके कर्तव्यों के निर्वहन से आएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के अभिनव चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या विसात फिर रुख तूफान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण अपने प्रति बदल लीजिए और अपने को कहिए कि आप ही हैं वो जो करने जा रहे हैं। साथियों, इस क्रम में आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की श्रृंखला शुरू होने वाली है उन गुरुओं के माध्यम से जिन गुरुओं का नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जा चुका है। ये वे गुरु हैं जिन्होंने अपने कार्य के माध्यम से, अपने कार्यशैली के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ, आप सब इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संभवम की जो फैकल्टीज हैं वो हमें मार्गदर्शन देंगी संक्षेप में। उससे पूर्व एक घटना मेरे को याद आती है कि एक बार अमेरिका में स्पेस स्टेशन में वहां के राष्ट्रपति पहुंचे। जब वो वहां पे पहुंचे अपने डेलीगेशन के साथ, तो उनको दूर में एक इंसान झाड़ू लगाता सफाई करता दिखा। वो इतने लगन से सफाई कर रहा था कि उसकी उस गतिविधि को देख के अपने डेलीगेशन के साथ वहां पर गए और उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? जाहिर सी बात है, इंग्लिश में पूछा होगा। आपको क्या लगता है कि उस भाई ने क्या जवाब दिया होगा जो आम तौर पे हम सभी देते हैं? शायद लग रहा होगा, बोला होगा, झाड़ू लगा रहा हूं, देखने रहे क्या कितनी गंदगी हो रही है, साफ करने में जुटा पड़ा हूं। लेकिन साथियों, यही पे अंतर आता है। यदि कोई दिया दिल्ली जैसी संस्था, अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसी संस्था से जुड़ जाए और ऐसे गुरु उन्हें मिल जाए, तो उसका जवाब ये नहीं था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं सफाई कर रहा हूं। स्पेस स्टेशन में काम करने वाले उस सफाई कर्मचारी ने कहा, आई एम वर्किंग टू टेक माई कंट्री टू स्पेस, आई एम वर्किंग टू टेक माई कंट्री टू स्पेस, मैं कार्य कर रहा हूं अपने देश को स्पेस तक ले जाने के लिए। साथियों, बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो बात यही है, उद्देश्य हमारा क्या है वो असली ताकत पैदा करता है। और ऐसे ही कुछ आदर्श गुरु आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिक्षण तो सभी प्रदान करते हैं, लेकिन बड़े उद्देश्यों के लिए जो सिखाते हैं, एक ऐसे ही आदरणीय शिक्षक जिनका नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में अपने कार्य के लिए जाना जाता है। भारत में जब फिलॉसफी और एथिक्स के फैकल्टी की बात होती है तो हर कोई, हर एस्पिरेंट उनकी ओर देखता है। जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं पतंजलि आईएएस, जो कि एक बड़ा ही रनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जहां पर 20 से ज्यादा वर्षों में उन्होंने यूपीएससी की तैयारियां अनेकानेक लोगों को कराई है। 200 से ज्यादा सफल आईएएस आपके माध्यम से, 200 से ज्यादा सफल सिर्फ आईएएस आपके माध्यम से देश को मिले हैं और वो टॉपर्स हैं उनमें से कई। और विशेष रूप से कुछ को मेंशन हम इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि कुछ ऐसे साथी जो शुरुआत से उन संभावनाओं के बीच में तो नहीं थे, लेकिन वो भी आपके जैसे थे, लेकिन आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सर के मार्गदर्शन में, चाहे हम बात करें अथार आमिर की जो कि AIR रैंक 2 आईएएस में आए थे, या गोविंद जायसवाल जी की जो कि रिक्शा वाला के पुत्र के रूप में जो जाने गए, चाहे हम बात करें वीर प्रताप सिंह जी की जो आईएएस बने, चाहे हम बात करें जसलीन कुंवर जी की, ये लिस्ट बहुत लंबी है। साथियों, सभी को एक अच्छा गुरु मिल जाए तो सही दिशा मिल जाती है। आज बड़े गर्व और गौरव के साथ इस संभवम प्रोजेक्ट में अपने समय को लगाते हुए, समय दान करते हुए, संभवम प्रोजेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में और निरंतर दिया दिल्ली के साथ कार्य कर रहे आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सर से हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान करें ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। स्वागत अभिनंदन आप सभी से मैं चाहूंगा, एक बार ऐसे गुरु के लिए ताली बजा लें और मुस्कुराते हुए स्वागत करें आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सर का। मित्रों, पहला तो चलन पूरा कर लिया है, आप इस ग्रुप में आ गए हो और आपकी संभावना है, इसकी एक पहली परख हो चुकी है। अब दायित्व हम लोगों का है जो टीचिंग के स्तर में रहेंगे कि आपकी जो संभावना आपके भीतर छुपी हुई है उसको ठीक से साकारित कर दिया जाए, सही समय पे सही दिशा में साकारित कर दिया जाए।
तो इस क्रम में मेरी भूमिका रहेगी, आपके साथ कई खंडों में मेरी भूमिका रहेगी। इथिक्स में मेरी उपस्थिति रहेगी जो एक नए तरीके से जुड़ा हुआ सिलेबस है आईएएस में और कई पीसीएस एग्जाम में। इसके साथ साथ निबंध और कुछ पक्षों में सीसेट में मेरी भूमिका रहेगी। समय समय पर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी रहता हूँ और इस तैयारी क्रम में आपको जो बाधाएं आएंगी, कई बार आप जब पढ़ना शुरू करोगे तब नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, मानसिक कठिनाइयां आती हैं, कई बार लगता है कि हम आईएएस बन जाएंगे, कभी कभी लगता होगा, लगेगा कि ये तो बड़ा टफ एग्जाम है। तो इन विपत्तियों में आपके साथ कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व तो जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे लोग जुड़े हुए होने चाहिए जो उस समय आपको मोटिवेट करें और सही रास्ते पर ले जाए। इस क्रम में जो दिया दिल्ली की पहल है और विशेषकर जो मनीष हैं, इनका मैंने जो डेडिकेशन देखा और जो जो श्रद्धा है गायत्री परिवार के प्रति और गुरुजी के प्रति, तो मेरा भी एक पूर्व से लगाव रहा है, मेरे अंदर भी वो भाव जागृत हुआ कि इस कार्य में मैं भी कुछ अपना सहयोग कर सकूं। और इस क्रम में निसंदेह मेरा सहयोग हर एक स्तर पे आप लोगों के साथ रहेगा। आप आगे बढ़े, पूरी ताकत लगाएं, हम आपकी ताकत को आपकी क्षमता को सही दिशा में लगा देंगे। कई बार लोगों में क्षमता होती है, कई बच्चों में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, परंतु उसको ठीक से वो शेप नहीं ले पाता है जीवन में। तो मेरा प्रयास रहेगा व्यक्तिगत तौर पे कि मैं आपकी संभावनाओं को, आपकी जो ताकत आपके अंदर छिपी हुई है उसको उभार दूं और उनको एक अच्छा सा शेप दे देंगे, उसको वास्तविकता का रूप दे दें, मूर्त रूप धारण कर ले। आपका जो विचार है आईएएस बनने का या सिविल सेवा में जाने का जो विचार है वो अंततः मूर्त रूप धारण कर ले। इस क्रम में मैं प्रयास करूंगा, ईश्वर मुझे शक्ति दे, गुरु जी शक्ति दे, मैं इस क्रम में अपनी सार्थकता को आपके साथ सिद्ध कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र सर। अभ्युदय के प्रोग्राम्स के दौरान और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के दौरान आपका बहुत अच्छा सानिध्य अनेकानेक स्वजनों को मिला है और इसके लिए आप पर हम गर्व करते हैं, गौरव करते हैं। एक बार पुनः समय सभी प्रतिभागियों से चाहूंगा एक बार तालियों के माध्यम से, आप हजारों मिले दूर जरूर हैं लेकिन अच्छाइयों का अभिनंदन सदैव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रवृत्ति हम में रही तो सचमुच हम इस दुनिया में अच्छाइयों को बढ़ाते दिखेंगे। एक बार पुनः से हमारे संभवम के एमिनेंट फैकल्टी ऑनरेबल प्रोफेसर धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मार्गदर्शन के क्रम में हम आगे चलते हैं और एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि फाउंडर है विजडम आईएएस दिल्ली के, साथ ही साथ जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में अनेकानेक उपलब्धियां अर्जित की हैं एवं पिछले 18 से ज्यादा वर्षों से आप दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, अध्यापन के माध्यम से, अपने विषयों के माध्यम से अनेकानेक लोगों को आईएएस और राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारियां करवा रहे हैं। साथ ही साथ आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सिविल सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी संबद्ध है, अनेकानेक आपको सम्मान मिले हुए हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी 200 से ज्यादा आईएएस सेलेक्ट हुए हैं और विशेष रूप से उल्लेखनीय वो आईएएस जो कि विशेष, जिन्होंने अपने आप को समय के साथ तैयार किया, आप जैसी प्रतिभाएं थी उनका जिक्र अगर हम करें तो हिमांशु के राय हैं, चंद्रेश के यादव हैं, यशवंत कुमार जी हैं, पवन के सिंह जी हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं, श्याम मनोहर सिंह जी हैं, ये वो आईएएस हैं जो आपके माध्यम से तैयार हुए हैं। लिस्ट तो एंडलेस है। तो ऐसे ही एक और हमारे गुरु अजय अनुराग जी से हम निवेदन करेंगे कि वे आज के इस अवसर पर संभवम के एमिनेंट फैकल्टी होने के नाते हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ संभवम ओरिएंटेशन में जुड़े हुए हमारे साथी पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ तालियां बजा के आमंत्रित करते हैं पूरे भाव के साथ हम आदरणीय श्री अजय अनुराग सर को। सर प्लीज। अच्छा, नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरी ओर से आप सबका अभिनंदन। मेरे लिए आज का दिन बेहद खास है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे याद है कि जिस दिन दिया की शुरुआत दिल्ली में हुई और मनीष और विनय और कई साथी जब आए और उन्होंने कहा कि सर ऐसा कार्यक्रम शुरू करना है, तो बिल्कुल पहले ही दिन मैंने जो बात इन लोगों के साथ शेयर की थी, ये साक्षी है उस बात के, इन्होंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल किया जाएगा। मैंने कहा कि आगे चलकर भविष्य में हम लोग एक क्लासेस शुरू करेंगे, निःशुल्क क्लासेस, जो बच्चे दिल्ली आते हैं वो प्राय अपने मन में एक बड़ी कोचिंग की धारणा लेकर आते हैं जहां काफी पैसे खर्च करना होता है। हम लोग दिया के जरिए कुछ ऐसा करेंगे जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और मुझे आज जिसको कहते हैं ड्रीम कम्स ट्रू, आज वैसा दिन है और मुझे लग रहा है कि वो जो बिल्कुल पहले दिन हम लोगों ने जो चर्चा की थी आज वो साकार हो रहा है।
और इससे इतना बड़ा परिवार, इतने लोग जुड़ रहे हैं कहाँ, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, तो एक बेहद खुशी का आज का दिन है। दूसरी बात ये कहूंगा कि देश में अध्यात्म और युवा जागरण के प्रतीक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मया पांड्या जी जो अभी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही साथ जो इस कार्यक्रम से इसमें सोनू सूद फाउंडेशन, जिन्हें मैं कहता हूं कि रियल हीरो ऑफ द रियल वर्ल्ड, जिन्होंने सही मायने में हीरोइज्म किसे कहते हैं, अभिनेता कौन होता है समाज का, उसको प्रूफ किया है इन दिनों, हम सब जानते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं जो काफी लंबे समय से मार्गदर्शन कर रहे हैं और जिनके निर्देशन में रिजल्ट हुए हैं, जिसके हम सब साक्षी हैं, सभी को मालूम है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबको पता है, हमारे सीनियर मित्र हैं धर्मेंद्र सर और बाकी सभी लोग, तो ऐसे शिक्षक के यहाँ आपको आपका मार्गदर्शन आपको मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जिनकी क्लासेस करने के लिए आपको एक अच्छा खासा पे करना पड़ता है, एक अच्छी राशि आपको देने पड़ती है, वो सभी लोग आपके लिए निःशुल्क आपके मार्गदर्शन में उपलब्ध होंगे। जहां तक सिविल सेवा का सवाल है, मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा कि आप सबको मालूम है ये देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित सेवा है और इस सेवा में जाने का एक गजब का उत्साह है जिसे आप जीवन भर भुला नहीं सकते। कहते हैं कि सफलता की वैसे कई परिभाषाएं होती हैं, लेकिन कहते हैं कि सफलता वही है जिस पर आपका दुश्मन भी हर्ष का भाव अनुभूत करे, उसे भी खुशी हो। निश्चित तौर में अपने देश में सिविल सेवा परीक्षा जो है वो ऐसी ही है जिसमें जब आप सफल होते हैं तो ना केवल आपका परिवार बल्कि आपका समाज, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य और फिर समूचा राष्ट्र एक ढंग से कनेक्ट होता है और जो आपसे कभी जीवन में जुड़ा हो और सब एक अपने आप में खुशी का भाव उनको महसूस होता है, उन्हें लगता है कि जैसे ये सफलता हमने हासिल की है। और इसी क्रम में हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि बेशक हम सब इस फील्ड में आए और सिविल सर्विसेज के लिए सपना देखा, लेकिन वो सपना आज हमारा आप सबके जरिए साकार हो रहा है। हमने कई रिजल्ट दिए हैं और हमारे छात्र, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे छात्र ना केवल आईएएस और विभिन्न सिविल सेवाओं में काम कर रहे हैं बल्कि उनके अंदर जिस संकल्प और जिस सपने को लेकर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है आप उनमें देख सकते हैं। जो नाम यहाँ गिनाए जा रहे हैं उन नामों के साथ आप कभी मिले, चाहे वो मेरे छात्र हो या हमारे शिक्षक मित्रों के छात्र हो, उनके अंदर वो जज्बा, वो भावना और वो देश हित की बातें कहीं ना कहीं वो आपको डिफरेंट दिखेंगे और हमें लगता है कि वो निश्चित तौर पर हमारे अच्छे जो मार्गदर्शन है, हमने जो अच्छे प्रयास किए उसका नतीजा है। और शायद आज सबसे बड़ी हम सब की उपलब्धि और संतुष्टि यही है कि हमारे छात्र ना केवल सेवा में अच्छी अपनी अपनी परफॉर्मेंस अपना बेहतर कर रहे हैं बल्कि वो हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, हमने जो बातचीत की थी, हमने जो सपने देखे थे, हमने जो बातें कही थी, वो आज उनके जीवन में चरितार्थ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बात मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी आज सिलेक्ट होकर आए हैं वो प्रतिभाशाली छात्र हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने एक राउंड में अपनी प्रतिभा साबित कर दी है और हमारे लिए ये और काम आसान हो गया है, सहज हम हो गए हैं कि हमारे पास ऐसे छात्र होंगे जिनकी एक बुनियादी समझ है, जो सिविल सेवा को जानते हैं। सिविल सेवा के लिए मैं दो बातें कहूंगा मित्रों, आप सब लोग जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। जो मेरा अनुभव है पिछले 20 वर्षों का, पिछले 20 वर्षों से अध्यापन करते हुए मैंने देखा है, 2003 से मैंने शुरुआत की सिविल सेवा के लिए विधिवत तौर पे, 2007 में मैंने संस्थान की स्थापना की और फिर इसके अलावा विभिन्न संस्थानों के साथ, संगठनों के साथ मैं जुड़ा रहा, खासकर सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ा रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने निःशुल्क कक्षाएं ली हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मैंने निःशुल्क कक्षाएं ली हैं, ऐसे कई सारी संस्थाओं के साथ मैं जुड़कर काम करता रहा हूं। मेरा जो अनुभव है वो ये है कि आप इस परीक्षा को दो दृष्टिकोण से देखें, दो स्तरों पर देखें, एक विचार के स्तर पे और दूसरा व्यवहार के स्तर पे। विचार के स्तर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, आज आप सबने संकल्प लिया है, तो ये बात तय मानिए कि आपके अंदर सेवा क्या है या सेवा का भाव, इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। आप एक बेहतर जीवन की कल्पना तो करते हैं लेकिन ये जीवन और ये सेवा
उस ढंग के बेहतर सुविधाएं आपको उपलब्ध नहीं कराता, कई बार आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सेवा किसे कहते हैं, इसका नाम है सर्विस, सिविल सर्विस हम कहते हैं। तो सेवा का भाव जहां आपको अपने अहंकार, अपने सारे अवगुण और सारी ऐसी चीजें जो समाज से आपको डिस्कनेक्ट करती हैं, उन सबको त्यागना पड़ेगा, उन सबको छोड़ना पड़ेगा, तब आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सेवा क्या है और हम सेवा के लिए जा रहे हैं, ये बात आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने देखा है कि जिनके दिमाग में ये बात होती है वो ही इस परीक्षा में सफल होते हैं। और व्यवहारिक तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि व्यवहारिक तौर पर एक और समझ आपके अंदर होनी चाहिए, वो है हमारे देश की जो सामाजिक संस्कृति है, जो कॉम्पोजिट कल्चर है। यदि आप उस भारत की संस्कृति को जानते हैं, उसको समझते हैं, तब आप एक बेहतर सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। इस देश में वही सफल हो पाया है, इस देश में वही लोकनायक बन पाया है जो जनता के साथ कनेक्ट हो पाया है। चाहे जितनी भी प्रतिभा आपके अंदर हो, यदि आपके अंदर सामान्य जन से कनेक्ट होने की क्षमता नहीं है, तो आप ना तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, ना तो एक बेहतर सिविल सेवक बन सकते हैं। तो दो बातें याद रखिएगा, एक तो सेवा को समझे आप, और दूसरी बात कि कैसे हम भारत की सभ्यता संस्कृति से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, ये दो बातें। तीसरी बात ये कि जो इसके जो टेक्निकल पक्ष है वो हम सब लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे तैयारी करें, रणनीति क्या है, अक्सर हम लोग बात करते हैं। मेरा जो अपना तौर तरीका है, जो मेरा अपना काम करने का तरीका रहा है, टीचिंग का तरीका रहा है, उसमें मैं ये मानता हूं कि आपको दो तीन बातें आपके अंदर चाहिए अगर आप सिविल सेवा में सफल होना चाहते हैं, और जो हमने देखा है पिछले 20 वर्षों में। पहली बात तो ये कि आपके अंदर एक तो विषय वस्तु को समझने की क्षमता होनी चाहिए, खुले दिमाग से आप हों और चीजों को ठीक ढंग से समझे, एक कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, स्ट्रेटेजी और बाकी सारी चीजें अलग होती हैं। सबसे पहले इस परीक्षा के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धैर्य बहुत जल्दी आपका साथ छोड़ता है। और तीसरी बात ये है जो मैंने देखा है, वो ये कि आपके पास एक चीज इस परीक्षा के लिए होनी चाहिए, और वो है आर्ट ऑफ राइटिंग। जिसको लिखने आता है उसके इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित है, आप चाहें तो मेरी ओर से गारंटी ले सकते हैं। जिसे भी लिखना आता है, जो आर्ट ऑफ राइटिंग जानता है, वो इस परीक्षा में बेहतर परफॉर्म कर सकता है, इस परीक्षा में सफल हो सकता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके साथ डिस्कस भी करें, हम आपके साथ ये सारी बातें मेंटोरशिप और गाइडेंस भी करें, और साथ ही साथ जो क्लास की स्ट्रेटेजी होगी मेरी भी और हमारे शिक्षक मित्रों की भी, कि हम एक बैलेंस लेकर चलेंगे। और वो बैलेंस ये होगा कि हम जितनी स्टडी पे फोकस करेंगे, उतना ही उसके साथ साथ प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। इस परीक्षा में सफल होने के लिए भी जरूरी है कि हम नॉलेज के साथ साथ उसे प्रैक्टिस के जरिए देखें कि हम कितना जानते हैं, सेल्फ असेसमेंट भी हम करते रहें। तो मित्रों, आपके साथ हमेशा मिलना होगा, आप सब लोग बहुत बेहतर प्रतिभाशाली हैं, ये तो आपने प्रूफ कर दिया है, लेकिन अभी कठिन चुनौतियां आगे बाकी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने कलेजे को निकाल कर पूजा की बलि वेदी पे चढ़ाना होगा, तब चरम की उपलब्धि होगी। वाकई बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ ये परीक्षा इतनी कठिन है कि मानो आपको अपने कलेजे को निकाल कर लगाना पड़ेगा। बेशक ये आइडियल बातें आपको लग सकती है, लेकिन ये सच है कि इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहते हैं कि ग्रेट थिंग्स कैन बी डन बाई ग्रेट ग्रेट सेक्रीफाइस ओनली। जब हम बड़ी उपलब्धि, धर्मेंद्र सर को मालूम है, धर्मेंद्र सर फिलोसफी पढ़ाते हैं, एक बार आईएएस की परीक्षा में भी निबंध पूछा गया कि महिमा की राहें मृत्यु तक जाती है। टॉपिक था कि महिमा की राहें मृत्यु तक जाती हैं। निश्चित तौर पर यदि आप महान और महिमा चाहते हैं, तो आपको मृत्यु तक, यानी कि उस कठिन यात्रा तक जाना ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे, हमेशा बात करेंगे, क्लास करेंगे, और मेरे हिस्से में जो है वो है निबंध लेखन, जो मेरा सबसे प्रिय विषय है, आर्ट ऑफ राइटिंग, साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, इसके साथ मेरा अपना जो वैकल्पिक विषय रहा है हिंदी साहित्य। तो भाषा और साहित्य के जो अगर जिनका माध्यम है, उन लोगों को मैं निश्चित तौर पर मजबूत बनाऊंगा, ये मेरा अपना दायित्व है जिसका निर्वहन मैं आगे करूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने लोग इस आज दिया के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन और मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय सर, आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आज के इस क्रम में साथियों, आप सब और हम सब एक बार पूरे उत्साह से, क्योंकि हमें मार्गदर्शन मिला आदरणीय धर्मेंद्र सर का, आदरणीय अजय सर का, और मार्गदर्शन अब मिलने जा रहा है आदरणीय सुजीत सर का, तो मैं एक बार चाहूंगा आप सभी अपना दायां हाथ ऊपर उठाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, बोलिए हम हैं तैयार, हम हैं तैयार, हम हैं तैयार। जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी रास्तों में चुनौतियां आएंगी, आपके साथ आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके फैकल्टीज कितने उत्साह से आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको बस करना है हम हैं तैयार, और हर पल ये याद रखना है, वो तत्परता ही आपको आगे सफलता दिलाएगी। साथियों आइए, मार्गदर्शन के इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, आईएएस के इंटरव्यू को स्वयं फेस किया, 16 सालों से टीचिंग और स्टडी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 13 सालों से हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं। आईएएस पीसीएस में 100 से ज्यादा सिलेक्शंस आपके माध्यम से हुए हैं यूं तो, लेकिन कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको कि आपके जैसे स्टूडेंट जिनको अवसर दिया गया और उन्होंने मौके पे अपने प्रदर्शन को किया, और आज वो आईएएस हैं, ऐसे परमवीर शर्मा जी आईएएस जबलपुर कलेक्टर, अनंत लाल ज्ञानी जी आईएएस 2011 बैच सेक्रेटरी कृषि मंत्रालय, मनोज कुमार जी आईपीएस 2008 बैच एसपी सुपौल बिहार, या पंकज यादव जी आईएएस असम कैडर, या अरविंद मीना जी 2008 आईएएस वेस्ट बंगाल कैडर, और ऐसी ही लिस्ट बहुत लंबी है। इन सबको तैयार करने वाले हिस्ट्री के आदरणीय सुजीत सर, हम निवेदन करेंगे कि आज के इस संभवम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सबको मार्गदर्शन मिले। निवेदन आदरणीय सुजीत सर से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, आदरणीय सुजीत सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर जी। सबसे पहले तो दिया और सोनू सूद फाउंडेशन को धन्यवाद कि एक इस अनुपम और अनूठी और मानवीय पहल में मुझे भी सहभागी बनाया गया है। और साउंड क्लियर है ना? हेलो। यस सर यस सर यस सर। हाँ ठीक है। और विशेष तौर पर डॉक्टर चिन्मय भैया और सोनू सूद का जो फाउंडेशन है जो एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं, उनके लिए मतलब विशेष आभार भी मेरी तरफ से है ना, विशेष शुभकामनाएं भी। पिछले 16 वर्षों को जो मेरा टीचिंग का अनुभव है उसमें मैंने देखा है कि समाज सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों ने काम किया है, और उसमें कोई दो राय नहीं, हमारे अग्रज और बड़े भाई जैसे धर्मेंद्र भैया भी हैं जिनके साथ मैं शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ। जब मेरी पहली क्लास शुरू हुई थी उनके आशीर्वाद से ही और उनके साथ ही शुरू हुई थी। बट इस तरह की पहल प्योर समाज सेवा के उद्देश्य से 16 साल में मैंने कभी नहीं देखा, जहां एकदम सेवा भाव से चाहे सोनू सूद फाउंडेशन हो या फिर अपना गायत्री परिवार या दिया की बात करें, ये वाकई अनूठी और मानवीय पहल है। तो आप इससे जुड़े हुए सभी लोग, चाहे प्रबंधन से जुड़े हुए हो, चाहे इसके शीर्ष पर जुड़े हुए हो, हमारे भाई जो एंकरिंग कर रहे हैं, शायद प्रणव भाई हमारे जो एंकरिंग कर रहे हैं ना, और विशेष तौर पे मनीष भाई का मैं जिक्र करूंगा जिन्होंने मुझे बार बार धर्मेंद्र भैया के सहयोग से एक तरह से कह सकते हैं कि खींच के लाए हैं इस मंच पे, ठीक है, सबको आभार। हम सीधे सीधे छात्रों से कुछ संवाद करना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी संवाद कर रहे थे, अजय सर भी, रहने से भी। देखो जो मेरा अनुभव है 16 वर्षों में पढ़ाने का, उसमें जो मैंने महसूस किया है सफलता असफलता को लेकर, पता नहीं कितने हजार स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया होगा और कितने रिजल्ट्स हुए होंगे मुझे भी नहीं पता। मुझे इतना याद है कि धर्मेंद्र सर के साथ जब मैंने शुरुआत की थी तो पहले 2 वर्ष में कम से कम 250 सिलेक्शन तो हमने वहीं से देखे थे जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे थे पतंजलि आईएएस में, ठीक है, मुझे इतना ध्यान है। उसके बाद तो कोई गिनती नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स को भी हमने देखा होगा और हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी हमने गाइड किए हैं। 3 बातें बहुत ज्यादा महत्व रखती है, इसलिए सीधे मैं अपने छात्रों से संवाद कर रहा हूँ। पहली बात जो महत्व रखती है वो मार्गदर्शन। कई बार ऊर्जा बहुत होती है लेकिन मार्गदर्शन जब न हो तो भटका हुआ जाता है। दूसरा तथ्य जो बहुत ज्यादा महत्व रखता है मार्गदर्शन के अतिरिक्त, ठीक है, वो होता है फैमिली का, परिवार का सपोर्ट। क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही इस बेस पे है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम छात्र नहीं है और जो इस सेवा में आना चाहते हैं, जो बहुत योग्य हैं पर उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसके लिए हमारा दो परिवार, दिया परिवार और सोनू सूद परिवार आ गया है। तो दूसरी शर्त होती है सहयोग, वो उसके लिए जो परिवार यहाँ मौजूद है। और तीसरी शर्त जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ वो है छात्रों का जज्बा।
जो छात्रों का डेडिकेशन होता है, जो छात्रों का पैशन होता है। मेरा अपना अनुभव ये है, जैसे बहुत सारे बैचेस में हमने क्लासेस लिए हैं, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, वो अच्छे बैकग्राउंड से थे और अच्छे बैकग्राउंड से नहीं भी थे, पर जिस भी स्टूडेंट्स में जज्बा, जिस भी स्कूल में पैशन था कि मुझे बनना ही बनना है, उसके लिए सारे मार्ग खुल जाते हैं, हर तरह के सहयोग कहीं ना कहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी छात्रों को मैं ये खास करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं उनमें जज्बा की कमी नहीं है, जिस बैकग्राउंड से निकल करके आप आ रहे हैं, लाखों के बीच में आपने जगह बनाई है, तो हमें इसके लिए एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मैं बहुत होपफुल हूँ, ठीक है। और ये जो मंच है हमारा, ये मंच वैसे ही समाज सेवा, मानव सेवा के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है, चर्चित है। तो धीरे धीरे इस तरह के संस्कार और भी आपके अंदर इंकल्केट किए जाएंगे, तो जज्बा की तो कोई कमी होने नहीं जा रही आपके अंदर, मैं जानता हूँ इस बात। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपके अंदर है। और जहां तक एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के है, तो ये तो एक परिचय है हम सभी लोगों का कि हम क्या करने जा रहे हैं और कौन कौन लोग आपसे जुड़ेंगे। और मेरा खुद से एक अलग से सेशन होगा, ओरिएंटेशन सेशन होगा, कई सारे सेशन होंगे, इसमें हिस्ट्री के मैं अलग अलग खंडों पे आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है, अलग अलग खंडों पे आपसे बातचीत करूंगा। उसमें कुछ बातों को आप अभी बस ध्यान में रख लीजिए, एक दो बातें हैं जो हमारे और भी शिक्षक सहयोगी आपसे शेयर कर रहे थे। इस पूरी जब हम तैयारी करते हैं, पूरी प्रक्रिया में जुड़ते हैं हम, कुछ स्टेजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। एक, प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ भी हो जाए, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पे मास्टरी करनी ही करनी है। कैसे करनी है? जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन क्लास मेरा हिस्ट्री का होगा तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मान के चलिए कि वो आपकी तैयारी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा, प्रत्येक स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वहां फिर हमारी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भटक जाते हैं। तीसरा, जैसा अनुराग सर भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इस पूरी तैयारी का जो सबसे की एस्पेक्ट होता है वो होता है राइटिंग। आप सभी को पता है ही, तैयारी के तीन स्टेज हैं, पहला प्रीलिम्स का स्टेज है, दूसरा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का स्टेज है। बट तीनों में आप देखोगे सेलेक्शन में जो सबसे ज्यादा वेटेज किसी का होता है तो मेंस का होता है, और मेंस का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी हाथों से अपना मुकद्दर लिख रहे होते हैं, आप अपनी हाथों से अपना मुकद्दर लिख रहे होते हैं। तो हम इंश्योर करेंगे कि आप राइटिंग में इतने कुशल हो, इतने कुशल हो कि नौकरी पाना बहुत छोटी बात होगा। ये जो अनुभव, ये जो स्किल होगा, आपके जीवन में आगे भी बहुत उपयोगी होने वाला है। चौथा, केवल राइटिंग स्किल डेवलप करना बड़ी बात नहीं होती है और चीजों को सही दिशा में पढ़ने की बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि क्या हमने जो पढ़ा उसको रियल टाइम में एग्जाम में हम डिलीवर कर पाएंगे क्या। हम जो डियर टीम में हमारे मनीष भाई से जो बात हुई, हमारी इस मुद्दे पर भी बात उनसे हो रही थी, हमारी डिलीवर भी करें। फिर देखो, एक तरफ होती है तैयारी और एक तरफ होता है परफॉर्मेंस। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं लेकिन फाइनली क्वालिफाई नहीं करते, स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ यदि परफॉर्मेंस पे भी अपना ध्यान देते हैं, राइटिंग पे भी अपना ध्यान देते हैं, रियल टाइम में उसे एक्सप्लोर कर ले जाते हैं, वो उनका रेशियो बहुत बढ़ जाता है। मेरे पास, मैं आपसे शेयर करूंगा आने वाले समय में, मुझे लगता है कम से कम 45-50 सेलेक्टेड लोगों की कॉपी होगी। और मुझे इतना ध्यान है कि जब मैं किसी की कॉपी रख लेता था, क्लास में टेस्ट कंडक्ट कराता था, जिसकी कॉपी हमने रख ली उसका सिलेक्शन हो गया है। 45-50 तो मुझे ध्यान में, मैं शेयर करूंगा आप जब क्लासेस शुरू होंगी। तो तैयारी एक पार्ट होता है जिसके लिए हम सब हैं ही, परफॉर्मेंस एक अलग पार्ट होता है जिसमें हम स्पेशल आपसे बात करेंगे हम कि कैसे कैसे, उसके लिए बहुत सारे स्टेज होते हैं। तो ये छात्रों से सीधे सीधे हमारा संवाद था कि भाई इन सब चीजों पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं आने वाली क्लास में हम। और एक दो बातें आपको और यहाँ बताते हैं कि हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे मन में चीजें चल भी रही होंगी, ठीक है, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो अभी बस हलचल बने रहने दीजिएगा। जब मेरी क्लास शुरू होगी तो आपको मैं अभी इतना श्योर कर सकता हूँ, हिस्ट्री और कल्चर जो हम जीते हैं वही इतिहास है, जो हम जीते हैं वही संस्कृति है। आप देखोगे आज कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया में, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो दुनिया के तमाम देशों में, तमाम घरों की बात करें, भारत को छोड़ो आप, कोई ऐसा घर नहीं होगा
जहां आयुर्वेद की बात, जहां योग की बात, जहां मेडिटेशन की बात ना पहुंचे। ये हजारों साल की हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, तो हमें पता नहीं चलता। कई बार हम जी रहे होते हैं। इतिहास और संस्कृति जिसका एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे हम जी रहे होते। जब क्लास शुरू होगा, जब हम स्टार्ट करेंगे, हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक जो उसका ओरिएंटेशन होगा, हम इस तरह से आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। हम चाहे मन में थोड़ी बहुत धारणा किसी को हो कि ये भोजन कैसा है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। अब बहुत इंजॉय करेंगे इसको आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि संविधान के किसी भी प्रोविजन के बारे में आपको आइडिया हो और आप केवल फिंगर रख दो उसके ऊपर, अच्छा ये प्रोविजन संविधान में क्यों, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है तो क्यों, राज्य भेदभाव नहीं करेगी तो क्यों, कहीं भी आने जाने की आजादी होगी तो क्यों, व्यवसाय की आजादी होगी तो क्यों, आज हम क्लास ले रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को, इसका भी फ्रीडम संविधान में दिया गया है तो क्यों। किसी भी प्रश्न का यदि आप उत्तर ढूंढेंगे तो वो इतिहास ही देगा आपको। इतिहास को बहुत रोचक तरीके से कुछ इस शैली में मैं आप तक लेके आऊंगा। और एक आखिरी बात, ठीक है, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो मेरा जो अनुभव है क्लास का, वो दो तरह का अनुभव है। एक छात्र होते हैं जो इतिहास बताते हैं कि देखो मेरे साथ मेरा ये दोस्त था, वो क्वालिफाई कर गया, और एक छात्र होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। तो आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरा अपना गट फीलिंग, मेरा इंट्यूशन कहता है, जो मेरा अपना सेंस है वो कहता है कि आप इतिहास बनाने की दिशा में पहला मजबूत कदम रख चुके हैं। इतिहास बनाने की दिशा में पहला मजबूत कदम रख चुके हैं। निश्चित तौर पे आप इतिहास बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, संकल्प रखिएगा। हार्दिक शुभकामनाएं सभी छात्रों को, प्रबंधन से जुड़े हुए अथक प्रयास करने वाले सभी गुरु को, और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले जो यह फाउंडेशन है हमारा, जो सोमसु फाउंडेशन है, आपको थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस मार्गदर्शन के लिए। साथियों, युवा साथियों, मेरे ख्याल से आप महसूस कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट टीचर्स, एक्सपर्ट प्रोफेसर्स, जो अपने आप में ब्रांड है सफलता का, वो जब निशुल्क आप सबके लिए जुड़ते हैं, तो ये डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन अखिल विश्व गायत्री परिवार की अपनी प्रामाणिकता है, जो कार्य से सिद्ध है, और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं वो जिस प्रामाणिकता से कार्य कर रहे हैं, उसी प्रामाणिकता के साथ इस भाव से आपसे इस निःशुल्क आयोजन में इतने बड़े बड़े हमारे ब्रांड्स, हमारे आदरणीय शिक्षक हमसे जुड़े हैं, उनका हम आभार करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए ये है कि जो क्लासेस हैं वो 15 से 30 दिन में शुरू होने की अभी टेंटेटिव स्केड्यूल है, जिसकी सूचना आपको आपके ईमेल पर दिया दिल्ली के ऑफिशियल ईमेल से आएगी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस समय हम मान के चल रहे हैं कि ओरिएंटेशन में जो कुछ आपको मिल रहा है उसके अनुरूप जो आपकी तैयारी चल रही है, आप अपने आप को कुछ एक नए डोमेन और नए डायमेंशन में ले जा रहे होंगे। साथ ही साथ साथियों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट शिक्षकों ने, प्रोफेसर्स ने आपको बताया कि सेवा के क्षेत्र में ये क्षेत्र बड़ा प्रायोगिक है, और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसी संस्था जिसका अपना इतिहास 50 से ज्यादा वर्षों का है, जो 70 से ज्यादा देशों में, 5000 से ज्यादा केंद्रों में, 15 करोड़ से ज्यादा परिजनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कार्य कर रही है, सेवा का प्रैक्टिकल फोरम है ये आपके लिए। तो इस प्रैक्टिकल फोरम से आप जहां पर भी हैं, आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के सदस्य मिलेंगे। आप भी कुछ ना कुछ सेवा के कार्य करने शुरू करिएगा, ताकि सेवा की परिभाषा आपका जीवन व्यक्त करे। इस क्रम में साथियों आगे चलते हैं, और अब जो है जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है हमारा, तो एक हमारे ऐसे ही मेंटोर जो अभी हम सबको मार्गदर्शन देने जा रहे हैं इस क्रम में, इस संभवम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, आप जयपुर राजस्थान से आते हैं, आपकी एजुकेशन मूलतः बीटेक इलेक्ट्रिकल आपने IIT दिल्ली से किया, तत्पश्चात आप IFS 2017 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 2 रहे हैं, IFS 2017 AIR रैंक 2 और IFS 2018 बैच मध्य प्रदेश कैडर में आपसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है प्रीलिम्स और इंटरव्यू में आपका मेंटोरशिप, और विविध रूपों में आपका मार्गदर्शन मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमको मिलेगा। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय अनुपम शर्मा सर से कि वे कृपया आज के इस अवसर पर हम सभी कैंडिडेट्स को मार्गदर्शन प्रदान करें, और संभवम में जुड़ रहे हमारे सभी कैंडिडेट्स पूरे उत्साह के साथ हमारे सभी शिक्षकों का, मेंटोर्स का अभिनंदन करें अपने तालियों के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का क्रम अभी आगे चल रहा है। निवेदन आदरणीय अनुपम शर्मा सर से। नमस्ते,
धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी, और नमस्ते सभी को, मनीष जी को, पीयूष जी, धर्मेंद्र सर, अजय सर, सुजीत सर और सभी दूसरे मेंटर्स और एस्पिरेंट्स को। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ये अंडरलाइन एक आइडिया लेके चलता है कि मेंटर्स भी कई एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में शुरू में ऑल्दो प्रतिभावान होते हैं, पर एक अच्छा अगर टीचर हो और उन्हें सीख मिलती रहे तो वो आगे एक्सेल कर सकते हैं। पर इंटरव्यू के दौरान हमने कई ऐसे एस्पिरेंट भी देखे जिनके पास में नॉलेज भरपूर थी और उन्होंने खुद ने स्वीकारा कि हमें नॉलेज से ज्यादा एक मेंटरशिप की जरूरत है। तो वो मेंटरशिप प्रोग्राम उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो या तो पहले से काफी कुछ जानते हैं या फिर खुद में एक केपेबल है कि खुद से चीजें कई सारी पढ़ सकते हैं। अब आप एस्पिरेंट्स का मेंटर से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मेंटर आपको गाइड करेगा कि क्या रास्ता सही है और ये किस आधार पे मेंटर गाइड करेगा, जो भी उनका एक्सपीरियंस है। सपोज मेरा कुछ सालों का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का या फॉरेस्ट सर्विसेज का, जिसमें अभी मैं हूँ, तो वो उस रास्ते में क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों का आप कैसे निवारण कर सकते हैं, इसके अलावा कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है। रास्ता मतलब कि क्या सोर्सेज, क्या किताबें या क्या न्यूज़पेपर भी मान लीजिए, मैगजीन्स मान लीजिए, क्या पढ़ना सही रहेगा क्या पढ़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में बहुत ही कम चीजें पढ़ी जा सकती हैं और सिर्फ वही चीजें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए जो आप दो या तीन बार मिनिमम कम से कम रिवाइज कर पाए। अदरवाइज आज के डेट में मार्केट में पूरा बाढ़ आ चुकी है मटेरियल की, तो एक छलनी की तरह मेंटर्स का एक रोल रहेगा। इसके अलावा काफी ये डिफिकल्ट पाथ होता है सिविल सर्विसेज का या फॉरेस्ट सर्विसेज भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इस दौरान कई जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कई बार डिप्रेशन की शिकायत होती है, एंग्जाइटी की शिकायत होती है, कई बार उन्हें डर लगता है कई चीजों से। ये सबके साथ में होता है, बहुत ही नॉर्मल चीजें होती है, मेरे साथ भी हुआ था और शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ ये चीजें नहीं होती हैं। बट इसमें अगर किसी एक मेंटर का एक हाथ हो आपके साथ में, एक साथ हो आपके साथ, तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा एक ही भावना हमारे अंदर कि कोई एक इंसान हमारे पीछे खड़ा है, हमारे माँ बाप और फैमिली के अलावा और ऑब्वियसली दिया फैमिली के अलावा, तो एक अलग मोटिवेशन रहता है, एक अलग सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। और जो और जब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी और मोटिवेशन रहेगा तो माइंड काम भी होगा और माइंड के पास में एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने के लिए एनर्जी और मोटिवेशन भी रहेगा, तो ये एक मेंटर का काम रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आई वोंट कॉल इट अ फेलियर बट सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आपके लिए क्या क्या अल्टरनेट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे इसका भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी किसी मेंटर के पास में कुछ पर्सनल टाइम अवेलेबल है तो वो उस टाइम में आपको कुछ डाउट सॉल्व कर दे या आपके आंसर्स या एसेज को वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, उसके आधार पे आपको सजेशंस दे, ये भी टाइम के हिसाब से किया जा सकता है। और कुछ मेंटर्स, कई मेंटर्स हमारे जो सर्विसेज में है, प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं, अलग अलग सेवाओं में हैं, वन सेवा में हैं, पुलिस सेवा में हैं, तो वो अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता सकते हैं, जिससे कि जो आप किताबों में पढ़ेंगे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स उनसे एक एड ऑन ही होगा। और बाकी एक फ्रेंड की तरह है, आप एक फ्रेंड की तरह या बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह आप मेंटर्स को ट्रीट कर सकते हैं। और जो भी धीरे धीरे हमें इस जर्नी में मेंटरशिप और मेंटी की जर्नी में या इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में जो जो दिक्कतें आएंगी, जो जो और इश्यूज आएंगे, वो हम साथ के साथ टाइम के साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी तो आगे मुलाकात और बातचीत होती रहेगी, तो आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट्स, आप सबकी जानकारी के लिए हम लोग बताना चाहेंगे कि इस संभवम मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए भी 70 से ज्यादा मेंटर्स ने अपने आप को टीम के रूप में तैयार किया है आपके लिए और ये निरंतर बढ़ रहे हैं। ये वो
हमारे मेंटोर्स हैं जिन्होंने आईएएस आईपीएस जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, और इन मेंटोर्स के माध्यम से भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो अपने आप में जिस इवेंट से आप जुड़ रहे हैं, जिस मूवमेंट से आप जुड़ रहे हैं, उसकी ताकत यही है कि हमारे साथ जब हम कोई कदम बढ़ाते हैं, हमारे गुरुदेव ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया उनके पीछे लोग चलते चले गए, और आज वही युवा जब देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम बढ़ा रहे हैं। तो प्रामाणिकता के नाते हम धन्यवाद करते हैं हमारे सभी शिक्षकों का, सभी मेंटर्स का जो इस अभियान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों का जो कि पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। साथियों, बड़ी देर से आप देख रहे होंगे कि एक वृक्ष यहाँ पर हमने साथ में रख रखा है। ये हमारे सेवा का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकल्प है पर्यावरण का, जिसमें गुरु पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, सघन वृक्षारोपण करते हैं, तो वर्ष भर है। तो और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तरु प्रसाद है एक तरीके का। लक्ष्य यह है कि जब आप इस पौधे को देखते हैं साथियों, तो इसके पत्तों को हम कितना भी पानी दे लें, इसके विकास के लिए जरूरी है कि इसकी जड़ों में पानी जाए। और दिया के माध्यम से और अखिल विश्व गायत्री परिवार सोनू सूद फाउंडेशन ये जो प्रयास कर रहा है, और आपके जो शिक्षक और मेंटर्स जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टिप्स ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, मतलब बाहर से भी संवारेंगे, व्यक्तित्व को भी संवारेंगे, और आपकी जड़ों को हम पोषित करेंगे ताकि आप इतने प्राणवान बने। साथियों, कुछ लोग तो वो होते हैं जिनकी जिंदगी में खुद के प्राण इतने कम होते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने में ही सिरदर्दी इतनी हो जाती है कि वो कहते हैं भैया परिवार के लिए नहीं कर पाते, समाज के लिए क्या करें। वही सेल्फलेस ऐसे गुरु, ऐसे मेंटर्स और ऐसे वॉलंटियर्स जो कि प्राणबंध संपन्न ऐसे हैं कि वो कहते हैं भाई देखो अपनी रोजी रोटी का हो गया, अब ये बताओ औरों के लिए हमें क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। तो ऐसी टीम आपके साथ खड़ी है, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक और मार्गदर्शन अब आपके साथ होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, तत्पश्चात जुड़ेंगे आदरणीय श्री सोनू सूद जी। हम कार्यक्रम के बिल्कुल शिखर पर जा रहे हैं, उससे पूर्व इंडियन आइडल एकेडमी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदर्श कुमार जी, क्योंकि बातें जोश से भरी हुई है, मार्गदर्शन जोश भरा हमें मिला है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय जो समस्याएं दुनिया के सामने खड़ी है, और समस्या 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 की चिंता करते करते न जाने कितने लोगों का बीपी बढ़ा जा रहा है, तबीयत बिगड़े जा रही है, चेहरे पे शिकन आ गई है, निराशा आ गई है, आशा का संचार हम जीवन में ऐसे लेकर के चलें कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21st century ब्राइट फ्यूचर। मोर्चे जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। तो जवानों तैयार हो जाइए।